हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए मेरी मॉम आज क्या बना रही है। मॉम हाय कर दो। हाय। तो ये देखिए, आपके घर में अगर कोई पुराना कपड़ा है तो आप इस वो कपड़े से ये सामान बना सकते हैं। तो आप पापोस जो पैर मूछते हैं तो वो तो खरीदने में बहुत पैसा लगता है। तो आपके घर में ये कपड़ा बहुत रहता है तो उसमें से ही। तो ये देखिए मेरी मॉम पहले क्या किया है, दोनों ये कपड़े पूरा कपड़े को ऐसे पीस पीस करी किया है करके यहाँ पे देखिए, दिखाओ कैसे करते हैं। तो पहले दोनों कपड़े को एक साथ करके तीनों कपड़े को एक साथ करेंगे इसको सुई धागे से, ये देखिए ऐसे करेंगे, जोड़ देंगे तीनों को एक साथ, ऐसे सुई धागे के साथ जोड़ देंगे। आप लोग ये वीडियो जरूर देखना, बहुत ही बहुत 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 काम का चीज़ है। आपके घर में, सभी घर में ये ज़रूरत है। तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए क्या बना रही है मेरी मॉम। मेरी मॉम और भी बहुत चीज़ बनाती है। तो ये देखिए ऐसे ऐसे इसको जुड़ दिया है। ये देखिए जुड़ने के बाद आप देखिए अच्छे से, ये तीनों कपड़ा जो लिया है उसमें उन्होंने ऐसे करके लिया है। ये देखिए आप लोग समझ गए होंगे कैसे बना रहे हैं। ये एक कपड़े, दोनों कपड़े को एक साथ करके, पुराना कपड़े को, ये एक है या दो है, ये एक वाला कपड़ा इसके अंदर से, मैं इससे अंदर के अंदर से बाहर निकल के ऐसे ये गिट बना रही है। ये देखिए, ये देखिए ये कपड़े को ये ऐसे ऐसे बना रही है। और इससे क्या होगा आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो मॉम ये कर, अगर मैं पूरा वीडियो उठाऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसके बाद में हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इसके बाद क्या करेंगे। तो देखिए, हाँ तो ये देखिए ये घर जो है, तो ये घर के हिसाब से होगा आप कितना बड़ा करेंगे। तो यहाँ पे तेरा घर है, तो मेरी मॉम पंद्रह घर करके करने के बाद मैं दिखाऊंगी क्या कर रहे हैं 15 घर होने के बाद। तो ये 15 घर हो गया है। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, वो जो ये जो बाह था वो नीचे आ गया है और ये माथा यहाँ पे जो ये वाला कपड़ा ऊपर आ गया है। तो इसके बाद यहाँ से क्या होगा देखिए, तो ये देखिए इस ये जो कपड़ा है इसके माथे पे एक सेफ्टी पिन है,
ऐसे लेना पड़ेगा इसको, देखिए ऐसे लेने के बाद ये देखिए क्या 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 ये इस ये धागे के अंदर से बीच से ये निकला, और ये देखिए ऐसे ऐसे करके ये जो घर लिया है ना, ये जो घर ये बीच बीच ये घर ये सभी घरों के बीच बीच में से ऐसे लेना पड़ेगा। मैं दिखा रही हूँ कैसे, आप लोग देखिए देखिए आपको दिखाया था, तो इतना हो गया, ये दोनों घर हो गया। तो आप लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है, जब ये वाला किया तो ऐसे राउंड करके इसको घुमाना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे फिनिश हो गया यहाँ पे, तो इस ये ऐसे ये घूमकर फिर आएगा यहाँ पे, यहाँ से ऐसे घूम के होगा। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ से आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको पूरा ही दिखाऊंगी कि ये जब तैयार हो जाएगा तो कैसे कैसा लगेगा। तो आप लोग देखिए कैसे ये हो रही है। ये तो अभी नहीं हुआ है, ये शुरुआत है, अभी बहुत बाकी है। ओ यहाँ पे दो घर, ये जो देख रही है तो यहाँ पे आके दो घर, हम लोग जो सिलाई करते हैं ना क्रूश कटा, वो जो जो जानते हैं तो सभी को पता है कि एक घर में दोनों, ये जो घूम के होता है तो एक घर में दो घर लेना, एक साथ दो करना है, वैसे वो बड़ा हो जाएगा। ऐसे करके करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। जब आप घर ज़्यादा लोगे तो जो सिलाई करते हैं उन लोगों को तो मालूम ही है, यहाँ एक घर से दोनों घर लेना पड़ेगा। ये देखिए एक लिया है और उसके बाद वही से एक और घर निकालेंगे। ये देखिए बाहर से ही एक और, अभी तक एक घर में से एक ही निकला है, तो यहाँ पे दो घर ज़्यादा किया, इसलिए यहाँ पे दो घर ज़्यादा कीजिए और यहाँ पे दो घर ज़्यादा कीजिए। ऐसे करने से ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ये कैसा बनता है लास्ट फिनिशिंग।
ये तैयार हो गया है। तो ये देखिए जब आप ये फिनिश करेंगे तब यहाँ पे काट के आप लोग जितना बड़ी इससे अगर ज़्यादा बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो वहाँ पे फिनिश करना चाहते हैं वहाँ पे काट के ये तीनों कपड़े को एक साथ है। ये देखिए और भी दिखा रही है। ये देखिए ये देखिए ये एक और भी हम लोग यूज करते हैं ये तीन कलर का है एक कलर का है ये थोड़ा सा छोटा है और ये एक और है।